हमने प्लेट्स वाला क्वेश्चन किया था है ना, मैंने आपको एनसीईआरटी के बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाए जिसमें अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसी तो क्या करना है, तीन पैरेलल प्लेट्स हैं तो क्या करना है, या तो दो कैपेसिटर बनते थे याद करो पैरेलल में, या तीन बनते थे पैरेलल में, बस ये करवाया था। जब आप ऑब्जेक्टिव बुक्स करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और दूर से चमकेगा, और ये डाउट आना ही आना है, 100% है। तो मतलब ये स्टूडेंट पूछता है कि सर इसको बताओ कैसे करेंगे, तो फिर मैं लेके बैठ जाऊंगा क्लास के बाद, देखिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V, देखिए सेम प्लेट जा रही है, इक्विपोटेंशियल V1 V1 है, फिर V3 V3 है, देखिए V2 है, फिर मैं 10-15 मिनट और लगाऊंगा जिसके अंदर आपको ये बताऊंगा, देख V1 V1 V2 का एक कैपेसिटर बना, ऐसी V1 का और V3 का एक कैपेसिटर बना, तो ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगा। आपको ये आराम से बैठ के V1 V3 मार्किंग कर करके देखेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। फिर स्टूडेंट मेरे को एक नया क्वेश्चन बना के देगा कि अगर सात प्लेट्स हों क्या करेंगे, बस मैं ये कहूँगा तुम इस क्वेश्चन को छोड़ के ना दो केमिस्ट्री के और क्वेश्चन कर लेना, इसके साथ पंगा मत लेना नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसको समझने में भी आपको समय लगेगा, ये ना अगर आप मुझे कहोगे सर पांच प्लेट्स कर लोगे, हाँ मैं पांच कर लूंगा क्योंकि मेरे को तो डायग्राम याद है, और डायग्राम याद भी है और मैंने इसको समझा भी हुआ है, V1 V2 कर करके मैं किसी तरीके से बता दूंगा। लेकिन अगर नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आप मुझे देंगे जिसमें प्लेट्स को देख के मुझे सीरीज पैरल बताने हो, तो देखो ये एक टफ क्वेश्चन है। और कुछ टीचर कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ आना चाहिए, देखो मैं ये कहता हूँ कि यार इसके साथ नहीं पंगा लेना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे वो डायगनल वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाया था, मैं को पहले ही बोल दिया था यार वो क्वेश्चन करना ही बेवकूफ़ी है वहाँ पेपर में बैठ के, कौन ही करेगा उसको बैठ के। तो ये एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है जिसके अंदर दो कैपेसिटर आपको पैरल में सीरीज में और ये पैरल में मिलेंगे, तो आप इस स्टैंडर्ड को कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ पेपर में ट्राई मत करना, आप कोई और पेपर में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड इसका सोल्यूशन बना रखा है कि आप आराम से बैठ के V1 V2 जैसे हमें सीखा था प्लस माइनस कर करके कुछ ऐसा आंसर इसका निकलेगा जिसके अंदर दो कैपेसिटर्स पैरल में निकलेंगे, जो आंसर आएगा सीरीज में निकलेगा और इसके साथ पैरल में निकलेगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आप इसको इसका डायग्राम को याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा मेरी ऐसी किताबों में क्वेश्चन, ठीक।